नहीं बजाओगे बैंड तो हो जाओगे सस्पेंड। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को बैंड ना बजाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश के मंदसौर, रायसेन, खंडवा, हरदा और सीधी में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने 15 अगस्त कार्यक्रम में बैंड बजाने से मना कर दिया था, जिसके बाद इन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इन पुलिस कर्मियों का कहना है कि उनकी भर्ती जनरल ड्यूटी में हुई थी, अब वे बैंड बजाएंगे तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। वहीं अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है तब ये स्थिति है, तो प्रदेश में कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा होगा। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि सरकार पुलिस बल की कमी की बात करती है, लेकिन बड़े अधिकारियों के यहाँ दर्जनों में पुलिस कर्मियों को विभिन्न कामों में लगाया जाता है, जो कि अनुचित है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिपाही की भर्ती किस काम के लिए हुई है? प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो जिस काम के लिए उनकी भर्ती हुई है, उसके अलावा दूसरे काम उनसे क्यों लिए जा रहे हैं? अब वो कह रहे हैं हमसे बैंड बजाना नहीं आता, हम ये काम नहीं करेंगे, तो आपने उन्हीं की बैंड बजा दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में आईजी, डीआईजी, बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता, इनके बंगलों पर 10-10 सिपाही काम कर रहे हैं। कोई बगीचे की घास छील रहा है, कोई सब्जी उगा रहा है, कोई इनके पैर दाब रहा है, कोई रोटियां बना रहा है, कोई बच्चे खिला रहा है। तो ये काम सिपाही का थोड़ी है। जब उसके स्वाभिमान के विरुद्ध आप उससे वो काम लेंगे जो उसके स्तर का नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में एक अपमान की और असहजता की भावना जागृत होगी, और इसीलिए ये सब नियंत्रण के बाहर जा रहे हैं। और अब तो मध्य प्रदेश का ये हाल है कि जब कोई अधिकारी, कोई मंत्री करप्ट होता है, नियम के विरुद्ध काम करता है, तो विभाग में उसकी रिस्पेक्ट नहीं रह जाती, लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है, ये नियंत्रण से बाहर जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि करप्ट लोगों के द्वारा संचालन करना।